नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड राजभवन में आज से 3 दिनों के लिए वस उत्सव की शुरुआत की गई है। अगले 3 दिन तक राजभवन रंग बिरंगे फूलों से सजा नजर आएगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वस उत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी राजभवन में मौजूद रहे। इस आयोजन में प्रदेश के 30 विभाग हिस्सा ले रहे हैं। विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है और अगले 3 दिनों तक आम जनता के लिए राजभवन को खोल दिया गया है। अब सभी लोग यहां पर आकर रंग बिरंगे फूलों को देखकर यहां का लुत्फ उठा सकते हैं। इस आयोजन में 16 मुख्य प्रतियोगिताओं की 62 श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। कुल 186 पुरस्कार विजेताओं को दिए जाएंगे। इस साल प्रतियोगिता में पहली बार 4 नई श्रेणियां रूफटॉप गार्डनिंग, बोइंसाई, टेरारियम और शहद शामिल किया गया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री धामी ने सभी से इस आयोजन में शामिल होने की अपील की है। ये ऋतु हम सबके प्रगति का घोतक है, उन्नति का घोतक है, आगे बढ़ने की घोतक है और हर प्रकार से मैं कहूं कि एक खुशी के रूप में बसंत ऋतु और मां सरस्वती की सबसे ज्यादा स्तुति करने का ये बसंतोत्सव का जो यहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये 3 दिवसीय, ये निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लिए, क्योंकि जहां पुष्प के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जिस पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, वह एक अच्छा मंच और एक अच्छा स्थान जिसमें 700 से भी ज्यादा ग्रुप हमारे इसमें भाग ले रहे हैं। उन सभी को अपने अपने जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों को कहीं ना कहीं एक बड़ा स्थान प्राप्त होगा और मैं इस आयोजन के लिए सभी को, जो भी इसमें आयोजक हैं और जो भाग लेने वाले लोग हैं, सभी को बधाई देता हूँ। शुभकामनाएं। उत्साह, आपका हर्ष, आपकी पार्टिसिपेशन देखकर बहुत खुशी हो रही है। आज 3 दिवसीय स्प्रिंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है, वसंत उत्सव 2023। सच कहूं तो आज का दिन बिल्कुल अलग ही लग रहा है, क्योंकि आज जो हमारे पुष्प की पार्टिसिपेशन है, हमारे कृषकों की पार्टिसिपेशन है, आज के इस इवेंट के अंदर में बहुत नई चीजें हैं जो पहले नहीं हुई है। बागवानी के लिए और ज्ञानीकरण के लिए उत्तराखंड सरकार प्रदेशवासियों की सभी समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर लगातार कवायद में जुटी हुई है। इसके तहत प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को जनता से सीधे कनेक्ट होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील की है। मुख्यमंत्री धामी ने सीएम आवास में पौड़ी लोकसभा की 12 विधानसभाओं की समीक्षा की। इस दौरान सभी विधायक भी मौजूद रहे और उन्होंने विकास कार्यों की प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह रूटीन बैठकें हैं जिसके जरिए विकास कार्यों की समीक्षा होती है। उन्होंने कहा कि सुशासन का संदेश तभी जाएगा जब आम जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण होगा। हालांकि सीएम धामी ने इससे पहले भी सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को कहा था जगह जगह पर चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करें। आज के कार्यक्रम में चूंकि माननीय विधायक गणों से, हमारे जनप्रतिनिधियों से, आम जनता का सीधे सीधे संवाद रहता है, सीधे सीधे उनकी बातें होती हैं, उन सबका फीडबैक लेकर उसके समाधान के लिए हम सब लोग बैठेंगे, आगे के रास्ते खोजेंगे, जिससे कि हमारी जो गवर्नेंस की कार्यप्रणाली है, सुशासन है, ठीक दिशा में आगे बढ़े। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा सभागार में अधीनस्थों की बैठक ली। इस दौरान उत्तराखंड उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश का पहला राज्य बन गया है। इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण के पश्चात सर्वाधिक 48% बच्चे डिग्री कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जबकि पूरे भारतवर्ष में यह 27% है। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि 2030 तक उच्च शिक्षा में 50% बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, जबकि उत्तराखंड ने 2023 में ही यह मुकाम हासिल कर लिया है। उत्तराखंड में 109 विश्वविद्यालयों को भवन निर्माण के लिए भूमि का आवंटन हो गया है। वर्ष 2024 तक प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के भवनों का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने उच्च शिक्षा को निर्देश दिए कि विद्यालयों में 180 दिन पढ़ाई कराई जाएगी और बच्चों की उपस्थिति भी 180 दिन अनिवार्य की जाएगी।
हम अपने प्रदेश में 25 नए मॉडल कॉलेज बना रहे हैं और ये मॉडल कॉलेज ऐसे होंगे कि यहाँ छात्रावास भी होंगे, ई ग्रंथालय भी होंगे, खेल का मैदान भी होगा, पूरी फैकल्टी होगी और NEP 2020 में हम पूरे देश में ये पहला राज्य है कि जो कि 25 नए मॉडल कॉलेज अपने राज्य में स्थापित कर रहे हैं। दूसरा हमने कहा है कि शिक्षा विभाग को कि हर डिग्री कॉलेज में एंटी ड्रग कमेटी बनानी है, क्योंकि 2025 तक हमको उत्तराखंड को ड्रग फ्री राज्य करना है। तीसरा हमने अपने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि हर डिग्री कॉलेज में G20 के एक कार्यक्रम करना अनिवार्य है। खबर जसपुर से है, जहां जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने प्रेस वार्ता की है और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जसपुर विधायक बोले, किसानों को सरकार से बहुत उम्मीदें थी कि गन्ने का मूल्य महंगाई के हिसाब से ही मिलेगा और मंत्री जी भी किसानों को गन्ने का दाम बढ़ाने का आश्वासन दे चुके थे, लेकिन मूल्य 345 रुपए है और 355 रुपए प्रति क्विंटल में एक भी रुपया नहीं बढ़ाया गया, जबकि खाद, ट्रैक्टर, डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक और रसोई गैस सभी का दाम बढ़ाया गया है। विधायक बोले, पिछले वर्ष मार्च में 929 रुपए का गैस सिलेंडर था, जिसे बढ़ाकर 1123 रुपए का कर दिया गया है। वहीं पिछले वर्ष सोनालिका ट्रैक्टर 6,80,000 रुपए का था, जिसे बढ़ाकर 7,10,000 रुपए का कर दिया गया है। बस अगर दाम नहीं बढ़े तो किसान की फसलों के दाम नहीं बढ़े हैं। सरकार किसानों की आय दुगनी करने की बात कहकर किसानों को गुमराह कर रही है और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही है। विधायक बोले हैं कि मुख्यमंत्री को इस बात पर पुनः विचार करना चाहिए और गन्ने का मूल्य बढ़ाना चाहिए ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके। किसानों को सरकार से बड़ी उम्मीद थी कि गन्ने का रेट महंगाई के हिसाब से मिलेगा और माननीय मंत्री जी भी आश्वासन दे गए थे जिस दिन शुगर फैक्ट्री का पेराई सत्र का उद्घाटन था कि आप चिंता न करें, सम्मानजनक दाम पड़ेगा। लेकिन अखबारों के माध्यम से पता चला कि रेट यथावत 345 और 355 रुपए रहेगा, एक रुपया भी गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, जबकि एक वर्ष में खाद के रेट, कीटनाशक के रेट, ट्रैक्टर के रेट, डीजल पेट्रोल के रेट, रसोई गैस के रेट, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके रेट ना बढ़े। रामनगर में होली का रंग जमने लगा है, जिसके चलते प्रयास सेवा संस्था के तत्वाधान में आयोजित महाहोली स्लट भ्रमण करते हुए रामनगर के विभिन्न इलाकों में पहुंची, जहां जगह जगह लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं इस महाहोली में शामिल महिला और पुरुष होलियारों ने होली गीतों पर जमकर नाचे और एक दूसरे पर गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। कार्यक्रम के आयोजक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने बताया कि संस्था 2004 से होली का आयोजन कर रही है। साथ ही बताया कि होली में कुछ रौनक कम है, इसका मुख्य कारण बढ़ती महंगाई है, लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह कम नहीं है। इस होली का समापन स्लट में ही किया जाएगा। होली रंगों का, खुशियों का और गुलाल अबीर का, नाचने गाने का त्यौहार है और हमारी एक सांस्कृतिक विधा भी है जो हमारी पुरानी पीढ़ी ने हमारे बचपन में हमें सौंपी थी। हमारा दायित्व बनता है इस विधा को हम अपनी नई पीढ़ी को सौंपें। इसी के तहत हर साल हमारी संस्था प्रयास सेवा संस्था इस होली को 2004 से लगातार आयोजन कर रही है और जब तक ऊपर वाला हमें क्षमता देगा हम इसको लगातार अपने जीवन काल में करेंगे। रुड़की में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा गया। आपको बता दें कि राजस्थान के भरतपुर के घाटमिका में जुनेद और नासिर की निर्मम पिटाई के बाद हत्या कर दी गई थी, लेकिन आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही CBI से जांच कराने की मांग भी की गई है। प्रदेश से संबंधित है
राजस्थान प्रदेश में जुनेद और नासिर जो हत्याकांड पूरी चर्चाओं में है पूरे देश के अंदर, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। जितनी मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करूं वो कम है कि दो व्यक्तियों को मुसलमान होने के नाते उन्हें पीटा जाता है, मारा जाता है, गाड़ी में बंद करके बजरंग दल के लोग उन्हें आग लगा देते हैं। तथाकथित गोरक्षक, अपने आप को गोरक्षक कहने वाले लोग गाड़ी में आग लगाकर उन्हें जिंदा जला देते हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से राजस्थान और हरियाणा प्रदेश के अंदर ठप है। प्रशासन अपना पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, सरकार पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ कई स्थानों पर छापेमारी करवाई है। विभाग की इस कार्रवाई की भनक लगते ही कई मिलावटखोर अपनी अपनी दुकानों को बंद करके मौके से फरार हो गए। जिला अभिहित अधिकारी संजय कुमार सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नंदकिशोर और खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टमटा की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। इस पर जिला अभिहित अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि होली पर्व को लेकर विभाग ने यह कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि कई दुकानों पर मावा, पनीर, घी के साथ ही मिठाइयों का सैंपल भी लिए गए हैं। साथ ही कुछ दुकानों पर गंदगी मिलने के साथ ही विभाग के नियमों का उल्लंघन भी पाया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे दुकान के मालिकों को नोटिस देने के साथ ही व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जैसे होली का त्यौहार आ रहा है तो इस समय दूध की, मावे की, पनीर की डिमांड बढ़ जाती है, तो आशंका रहती है कि कहीं किसी तरह का कोई सब स्टैंडर्ड या मिलावटी तो चीज़ें नहीं है, तो उसको देखते हुए विभाग कार्रवाई कर रहा है। आज हम यहाँ रामनगर में कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हमने जो यहाँ मावे के सप्लायर हैं, जो पनीर की सप्लाई हो रही है, इसके अलावा जो मिठाई है, घी है, इन सब चीज़ों के सैंपल हमने लिए हैं और इसको जाँच के लिए भेजा जा रहा है। कहीं एक दो जगह जहाँ हमें कमी मिली दुकानों में, प्रतिष्ठानों में, वहाँ हम सुधार सूचना इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं, उनको समय दे रहे हैं, उस समय में सुधार करेंगे वरना फिर आगे कार्रवाई। पुलिस और आबकारी विभाग शराब तस्करी करने वालों पर शिकंजा कस रही है, लेकिन शराब तस्करी भी तस्करी के नए नए तरीके निकाल रहे हैं। इस कड़ी में आबकारी विभाग की टीम ने एक कार को पकड़ा है जिसमें विशेष रूप से कैबिन बनाकर शराब छिपाने की व्यवस्था बनाई गई थी। आबकारी विभाग की टीम ने कार से 23 पेटी सहित तस्कर को गिरफ्तार किया है। कार में सवार एक युवक आबकारी विभाग की टीम को देखकर डर गया। पूछताछ करने पर युवक ने कार में शराब होने की बात कबूल की, लेकिन तलाशी लेने के बावजूद कार के अंदर शराब दिखाई नहीं दी। ऐसे में आबकारी विभाग की निरीक्षक प्रेरणा भिष्ट ने युवक से फिर पूछताछ की तो उसने एक गुप्त कैबिन होने की जानकारी आबकारी विभाग की टीम को दी, जिसे देखकर पूरी टीम दंग रह गई। कार के अंदर सीट के बीच में एक विशेष प्रकार का कैबिन बनाया गया था जिसके अंदर शराब छिपाई गई थी। बिना रजिस्ट्रेशन वाहन संचालन करने पर और ओवरलोड वाहन दौड़ाने के साथ यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की गई। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर ने सुसंगत धाराओं में चलानी कार्रवाई को अमल में लाया। इस क्रम में टनकपुर के कई स्थानों पर चेकिंग के दौरान लगभग 24 वाहनों का चालान काटा गया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की ओर से ओवरलोड वाहन, बिना रजिस्ट्रेशन वाहन, बिना सीट बेल्ट अपने वाहनों को नो पार्किंग जोन में खड़ा करना और बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते हुए नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते हुए एआरटीओ सुरेंद्र कुमार द्वारा 24 वाहनों पर चलानी कार्रवाई करते हुए दो वाहनों को सीज किया गया है। इनमें से सबसे अधिक चालान नो पार्किंग पर किए गए। अब खबर मंगलौर से है जहां महंगाई की मार थमने का नाम नहीं ले रही है। पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि के बाद आम लोगों की कमर पहले से ही टूटी हुई है और अब महंगाई की मार रसोई पर भी बोझ बन रही है। मार्च महीने की शुरुआत में ही घरेलू एलपीजी गैस और कमर्शियल गैसों के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई थी, इससे गृहिणी की रसोई पर भारी बोझ पड़ गया। गैस के दामों में की गई बढ़ोतरी के बाद विपक्ष भी सरकार को घेरने में लगी हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आम जनता पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, पेट्रोल और डीजल से लेकर सभी सामान पर महंगाई बढ़ गई है और अब घरेलू गैस के सिलेंडर भी 50 रुपए की बढ़ोतरी और कमर्शियल पर 350 रुपए की बढ़ोतरी किए जाने से आम आदमी की कमर पूरी तरह टूट गई है।
उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार के इस फैसले का कांग्रेस विरोध करती है और इस महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरकर पूर्ण तरीके से सरकार के इस फैसले का विरोध करेंगे। महंगाई के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और लगातार महंगाई को बढ़ा रही है। 50 रुपए के लगभग घरेलू सिलेंडर पर बढ़े हैं और लगभग 350 से ज्यादा कमर्शियल सिलेंडर पर पैसे बढ़ गए हैं। गरीब आदमी, सामान्य व्यक्ति, जो मध्यम वर्ग है, उनकी कमर तोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गैस के भाव काफी घटे हैं और यहां है कि इन्होंने सामान्य व्यक्ति की जेब पर डाका डालने का यह काम कर रही है सरकार। उत्तराखंड में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग के सौजन्य से स्मार्ट सिटी धून लाइब्रेरी में किसान गोष्ठी और मिलेट भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी ने शिरकत की। आपको बता दें कि धामी सरकार लगातार उत्तराखंड के पहाड़ी व्यंजनों को बढ़ावा दे रही है। वहीं मोटे और पौष्टिक अनाजों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने मिलेट भोजन का आयोजन किया। कार्यक्रम में मंडवा और कई पहाड़ी व्यंजनों की महत्वता और गुणवत्ता को बताते हुए किसानों से आग्रह किया गया कि वे अधिक से अधिक इन्हें अपने खेतों में उगाएं ताकि लोग पौष्टिक खाना खाएं और अपना बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें। वहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने पहाड़ी व्यंजनों का स्टॉल भी लगाया। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि यह एक बहुत अच्छी पहल है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर लोकल अनाज की मांग बढ़ेगी और लोग इससे परिचित होंगे। साथ ही साथ डीएम सोनिका ने भी पहाड़ी व्यंजनों का भरपूर लुफ्त उठाया। लोकल मिलेट्स हैं, मोटा अनाज है, मंडुआ हो गया, जीवरा हो गया, उनसे जो डिशेस बन सकती हैं अलग अलग तरह की वो बनाई गई हैं और उन्हीं का यहाँ पे डिस्प्ले भी किया गया है और इससे प्रचार प्रसार तो होगा ही और साथ ही साथ जो हमारे लोकल मिलेट्स हैं उनकी जो पौष्टिकता है उसके बारे में भी लोगों को पता चलेगा। अल्मोड़ा के मल्ला महल में जिला प्रशासन ने फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें महिला और पुरुष होली का आयोजन उन्होंने किया है। शहर की अनेक टीमों ने होली गायन से लोगों का मनोरंजन किया। आयोजक जिला प्रशासन, संस्कृति विभाग तथा महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मल्ला महल में महिला और पुरुष होली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी CS मर्तुलिया ने किया जिसमें अल्मोड़ा की महिला और पुरुष होली की टीमों ने होली का प्रदर्शन किया। होली के रंग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संग थीम पर फागोत्सव का आयोजन किया गया। चलो मेरे साथ चलो तुम वहाँ काम करोगे। मैं सब काम करूंगी, अपने बच्चों को पालूंगी। ये तो पारंपरिक होली बहुत पहले से चली आ रही है, घर घर में भी कर रहे हैं और मतलब हमारा सांग दिखाने का मेन मकसद ये होता है, हम एक संदेश देते हैं कि अगर कोई चीज गलत हो रही है तो संदेश के माध्यम से हम जनता को जागरूक करते हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने आज दिया बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, भ्रूण हत्या हो रही है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि इसके माध्यम से लोग जागें। मल्ला महल अल्मोड़ा में के जो नया हमारा ओपन थिएटर बना हुआ है, इस पर जिला प्रशासन, संस्कृति विभाग, महिला विकास विभाग द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, होली के रंग, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के संग की थीम पर होली का आयोजन किया गया है। इसमें शहर के विभिन्न महिला होलियार, पुरुष होलियार प्रतिभाग कर रहे हैं। भारत खंडे से भी टीम आई हुई है, तो इसी अपनी संस्कृति को संरक्षण और विरासत को बचाने के साथ साथ समाज को महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए आयोजन किया गया। बहुत कम टाइम में हम लोगों ने ये सीखा है और क्लासिकल डांस फॉर्म एक बहुत मतलब जितनी भी डांस फॉर्म होती है सबसे टफ होता है, उसमें भी कत्थक तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय, लोगों को पसंद है, तो बहुत ज्यादा मेहनत करी हम लोगों ने और उसका आउटपुट भी बहुत अच्छा निकला। अल्मोड़ा में पहली बार सोच संस्था की पहल पर सैनिटरी पैड बैंक की शुरुआत की गई है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर जरूरतमंद छात्राओं, युवतियों और महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना है। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जगत सिंह भिष्ट और विभागाध्यक्ष समाज शास्त्र प्रोफेसर इलाह शाह ने संयुक्त रूप से पैड बैंक का आयोजन किया।
आशीष और उनकी टीम पिछले 3 सालों से अल्मोड़ा जिले के स्कूलों और दूरदराज गांवों में जाकर महिलाओं और छात्राओं को जागरूक कर रहे हैं। आशीष ने बताया कि शुरुआत में महिलाएं इस विषय पर खुलकर बात नहीं किया करती थीं, लेकिन अब धीरे धीरे लोग इस विषय पर जागरूक भी हो रहे हैं और खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। गांव में बहुत सारी जो महिलाएं हैं उन्हें जानकारी नहीं है सैनिटरी नैपकिन के बारे में, और भी बहुत सारी बातें हैं पीरियड से रिलेटेड जो उन्हें पता होनी चाहिए, लेकिन उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं है क्योंकि इतनी एजुकेशन नहीं है अभी तक गांव में। तो जो हमारी संस्था है वो एजुकेशन भी उनको प्रोवाइड करती है, और दूसरी चीज़ है जो भी पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, सैनिटरी नैपकिन को यूज़ कैसे करना है, डिस्पोज कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हमारी संस्था उन्हें बताती है। और जब हम प्रोग्राम्स करने जाते हैं वहाँ पे, तो हम देखते हैं कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि सैनिटरी नैपकिन क्या है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक इशू है जिसको सॉल्व जल्द से जल्द हमें करना है, और हमारी संस्था काम कर रही है इस चीज के लिए। पैड बैंक की शुरुआत करी है, इसके पीछे कारण यह है कि जब हम विगत 3 वर्षों से ग्रामीण इलाकों में या स्कूल्स में कैंपेन चला रहे हैं, तो ये डेटा सामने आ रहा है कि आज भी कई महिलाएं ऐसी हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और जो आज भी गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर रही है। कि हमें मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर के लोगों को अवेयर करना है, काम करना है, इसीलिए आज पैड बैंक की शुरुआत की गई है कि जो लड़कियां, जो महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनको हमारी संस्था सोच हर महीने हर महावारी की प्रक्रिया में निःशुल्क रूप से सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए। अवैधकरण पर सख्त रवैया अपनाते हुए प्रशासन अब सख्त कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहा है। बता दें कि एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने देहरादून में पुलिसकर्मी के साथ खनन माफियाओं द्वारा की वारदात को देखते हुए सभी थाना चौकियों को अवैध खनन पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया और मामले पर जानकारी देते हुए बताया है कि हाईकोर्ट के आदेश पर ओवरलोडिंग पर दिए गए सख्त आदेशों के चलते किसी भी तरह की ओवरलोडिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध खनन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा, साथ ही उन्हें संरक्षण देने और अवैध खनन में संलिप्तता पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खनन पर हम लोग बहुत गंभीर हैं, बीच में एनजीटी ने अभी कुछ जो पट्टे हैं उस पर रोक लगाई गई है। मैं लगातार कुछ दिनों से यहाँ भ्रमणरत हूँ, रात को किसी भी हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी या किसी अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी को अवैध रूप से खनन में किसी प्रकार का कोई सहयोग अगर प्रदान करेगा तो वो नपेगा, उसके खिलाफ बहुत गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई। पौड़ी में शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही अंकिता भंडारी की मां ने डीएम पौड़ी आशीष चौहान से मुलाकात की है। अंकिता की मां ने कहा कि बेटी की सीए की पढ़ाई छूट गई है और उनके पिता बीमार चल रहे हैं, लेकिन परिवार की कोई सुत तक नहीं ले रहा। अंकिता की मां ने कहा कि पूर्व में सरकार ने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया है। अंकिता की मां ने कहा कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलने में भी देर हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीरता नहीं दिख रही। अंकिता की मां ने कहा कि उनके पति का कुछ माह पहले हार्निया का ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद से उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि 25 सितंबर 2022 को सीएम ने दूरभाष कर कहा था कि आप अंकिता के शव की अंत्येष्टि होने को दो, आपकी सभी मांगें पूरी कर ली जाएंगी, लेकिन हमारी मांगों पर आज तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सोनी भंडारी की मांगों का जल्द समाधान नहीं होने पर 6 मार्च से डीएम कार्यालय परिसर में परिवार और ग्रामीणों के साथ आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। इस दौरान डीएम ने कहा कि आईसीआई से सीए की पढ़ाई कर रहे अंकिता के भाई को इंटर्नशिप का ऑफर लेटर दे दिया गया है। डीएम ने अंकिता के पिता के स्वास्थ्य की जांच के लिए सीएमओ को अवश्य निर्देश भी जारी किए हैं। डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि परिवार के हर संभव मदद के प्रयास किए जा रहे हैं।
उनके जो अंकिता भंडारे की माताजी अपने बेटे के जॉब के लिए जो बात कर रही थी, तो उस संबंध में हम लोगों ने उनके बेटे से बात करते हुए TSDC में आर्टिकलशिप सी आर्टिकलशिप के लिए जिसमें 15,000 का स्टाइपेंड का के प्रावधान है वो सारी मतलब उससे संबंधित कॉल लेटर उस बच्चे को मिल भी चुका है और हम यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि परिवार की जो मदद हो उसके लिए हम ट्राई करें। मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है कि उन्होंने हमसे सीएम धामी जी ने हमसे वादा किया था मेरे पति से भी कि जब मेरे बेटे की अंत्येष्टि की थी तो उन्होंने कहा था कि आप जो मांग रखोगे हम पूरी करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी भी मांग ये हमारे मतलब 5 महीने हो गए हम दर दर की ठोकरे खा रहे हैं, कभी नैनीताल भाग रहे तो कभी कहीं भाग रहे कभी कहीं भाग रहे, अभी तक हमें मतलब कोई मतलब न्याय नहीं मिला, न्याय की उम्मीद तो दूर। उन्होंने ये भी कहा था कि परिवार को एक सदस्य पर नौकरी मिलेगी, लेकिन अभी तक आप देख रहे हो आज इसी विषय पर मैं यहाँ आई हूँ। दिनेशपुर में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत के निर्देशों के क्रम में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया गया। मेले में सिटकुल, पंतनगर सहित काशीपुर और किच्छा की अनेक प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों ने अपने प्रतिनिधि भोजन कर भाग लिया। पंतनगर सिटकुल की मुख्य कंपनियों में टाटा मोटर्स पंतनगर, लुकास स्टीविस, नील मेटल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडिया ग्लाइकोज, आज ऐसे दिनेशपुर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय रोजगार मेले का और अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया जा रहा है। हर महीने ये अप्रेंटिस मेला संपन्न होना है विभिन्न ICU में, इस बार ICU दिनेशपुर को चुना गया। इसमें पूरे कुमाऊं मंडल में ये यहाँ दिनेशपुर में मेला लगा, इसमें हमारे सुखपुर और काशीपुर के कई उद्योग जिनमें इंडिया ग्लाइको और सुखपुर पंतनगर के टाटा मोटर्स, सनसेरा और पार्ले बहुत कंपनी के प्रतिनिधि आए और उन्होंने अपने अपने योग्यता के हिसाब से। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। डिप्लोमा पार्क through constant innovation, the group provides